हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11, द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किस तरह से मूव करता है। मूव करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं अलग अलग, जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे डिफरेंट, वो कैसे मूव करते हैं, इस चैप्टर के अंदर हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो होता है, मतलब वो किस चीज़ों से बने हुए होते हैं। आपने पिछली क्लासेस में आपके पढ़ा है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके में, उनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। और उसकी बॉडी के अंदर जो भी काम होते हैं, जो भी क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो सारे सेल के अंदर होती है। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड ऑफ वन सेल यूनिसेल्यूलर और मोर देन वन सेल मल्टीसेल्यूलर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी या तो एक सेल से बनी हुई होगी या फिर बहुत सारे सेल से बनी हुई होगी। जिनकी एक सेल से बनी हुई होती है वो कहलाते हैं यूनिसेल्यूलर, और जिनकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं मल्टीसेल्यूलर। जैसे ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसेल्यूलर। इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म दीज सेल्स फॉर्म टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में क्या होता है, टिश्यू होते हैं, टिश्यू मिलकर बनाते हैं, सॉरी सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये ऑर्गन सिस्टम उन्हीं को बोला जाता है। जैसे अगर यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या बता रखा है, एटम। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ये आप आपकी जब हायर क्लासेस आएगी उसके अंदर पढ़ोगे। फिर मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि बनाता है ऑर्गेनल। और ऑर्गेनल्स मिलके, ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस वगैरह, वो मिल कहलाते हैं ऑर्गेनल। ऑर्गेनल मिलके बनाते हैं सेल। तो यहाँ पर हम जो हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर हम सेल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेल्स का जो ग्रुप होता है, मतलब कई सारे सेल आपस में इकट्ठे होकर बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू। और ये जो टिश्यू होते हैं वो कई सारे टिश्यू इकट्ठे होकर बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मतलब हमारे शरीर का जो भी कोई अंग है वो क्या कहलाता है, ऑर्गन। फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से बना है, उसके अंदर स्टमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, लीवर, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है, इसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कई तरह के ऐसे सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। अब देखो वापस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट गेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, जब सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होकर एक ही स्पेशल पर्टिकुलर काम करते हैं तो वो कहलाते हैं टिश्यू। तो इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट गेट टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेशल फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है। स्किन, ब्लड, बोन्स आर सम टिश्यूज। ये कुछ टिश्यूज़ के एग्जांपल है। जैसे हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर भी सेम टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड एंड बोन्स। डिफरेंट और सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज जॉइन टू फॉर्म एन ऑर्गन। कुछ तो सिमिलर टाइप के और कुछ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जब एक साथ जॉइन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। हार्ट, लंग्स, आईज एंड किडनीज आर ऑर्गन्स। ये सारे क्या है, ऑर्गन के एग्जाम्पल है। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। ये जो सारे ऑर्गन है ये क्या है, अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड। हार्ट क्या काम करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पम्प करता है। द आईज आर ऑर्गन्स ऑफ साइट। आईज क्या करती है, हमें देखने में मदद करती है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम।
तो ऑर्गन्स का वो ग्रुप जो उसकी एक सिमिलर काम करता है वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो हमारे माउथ से लेकर माउथ की टंग, टीथ, हमारी जो फूड पाइप है इसोफीगस, वो स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब के सब काम क्या कर रहे हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का। तो ये जो सारे ऑर्गन है ये मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एसेट्रा। तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो हमारे जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, इन सब को करने में हेल्प करते हैं। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस से मिलकर बनाए, हार्ट से, ब्लड से और ब्लड वेसल से, इन तीन चीज़ से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर वर्क टू कीप अस अलाइव। तो हमारी बॉडी में ये जितने भी अलग अलग सिस्टम है ये सब आपस में एक साथ काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा जो कंकाल तंत्र है, हमारी बॉडी के अंदर जो इतनी सारी हड्डियां हैं अलग अलग टाइप की, वो किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम किससे बना है, बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर। द स्केलेटल सिस्टम फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। इट कैन बी कंपेयर टू फ्रेमवर्क ऑफ मेटल एंड वुडन फ्रेम यूज टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। ये हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी बिल्डिंग हम जब बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग आपने बनती हुई देखी होगी, तो उसके अंदर मेटल के सरिये लगाए जाते हैं, वुडन के, लकड़ी के बांस से लगाए जाते हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए, उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। तो उसी तरह हमारी जो बॉडी के अंदर ये बोन्स और कार्टिलेजेस है, ये हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को खड़ा करने के लिए हेल्प करते हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज। बोन कैसी होती है, हार्ड होती है, हड्डियाँ कठोर होती है, और स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत भी होती है, और ये टिश्यूज से मिलकर बनी है। दे आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटीरियल फ्रॉम इनसाइड। और इन हड्डियों के अगर अंदर की तरफ देखें तो एक सॉफ्ट मटीरियल होता है, और ये जो कार्टिलेजेस है वो सॉफ्ट होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मीन्स उसके अंदर लचीलापन होता है। ओके तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलके बना है। बोन्स हार्ड है जबकि कार्टिलेजेस सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सर्जिकल ग्लव्स, हाथ में पहनने के जो दस्ताने होते हैं उनको लेंगे, या हमें किसी भी जो मेडिकल की जो दुकान होती है, केमिस्ट की जो शॉप होती है, वहाँ पे मिल जाएगा। उनके अंदर क्या करोगे, आप पानी भर लोगे, वो कैसे दिखेंगे, और फिर उनको दबाओगे, पानी डाल के जब उनको प्रेस करोगे तो वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और उनका कोई शेप नहीं रहता। इनको हम हमारी बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी ऐसी हो जाए जिसकी कोई शेप नहीं हो तो वो कैसी दिखेगी, उसी ग्लव्स की तरह जो कि हमारे, हमने उसके अंदर जैसे पानी भरा था तो वो कैसे हो गया था, सॉफ्ट हो गया था और शेपलेस हो गया था। अगर हमारी बॉडी के अंदर भी बोन्स नहीं होगी तो हमारी बॉडी भी ऐसे शेपलेस हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन क्या है, हमारी बॉडी को जो शेप देता है वो हमारा स्केलेटन होता है। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज 300 bones. As the infant grows up, many of the bones fuse together, hence the number reduces. तो ये जो हमारा skeletal system है, अगर कोई बड़ा grown up human being है तो उसकी body के अंदर कितनी होती है, 206 bones होती है, जबकि एक जो newborn नया पैदा हुआ बच्चा होता है उसके अंदर 300 bones होती है। मतलब जैसे आप पैदा हुए और आप छोटे हो, आप जैसे जैसे बड़े होगे, आप एडल्ट में ग्रो करोगे, तो आपकी जो नंबर ऑफ बोन्स है वो 300 से 206 हो जाती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई सारी जो छोटी छोटी बोन है वो मिलकर एक ही बड़ी बोन्स बना देती है, इसीलिए ये जो नंबर है वो कम हो जाता है। फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन है, फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी का जो कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलके बना है, ये हमारी बॉडी में काम क्या करता है। स्केलेटन के कई सारे फंक्शन होते हैं लेकिन उसके चार जो मेन फंक्शन है वो हमें गिवन है। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग सपोर्ट।
The skeleton gives shape and support to the body. In absence of skeleton, we would not be able to stand erect. It holds our body upright. Skeletal system हमारी body को shape देता है और उसको support करता है. अगर मान लो हमारी body के अंदर skeleton नहीं होगा तो हम ऐसे अभी जैसे हम खड़े होते हैं ना वैसे खड़े नहीं हो सकते. हमारी body को हम ऐसे सीधे भी नहीं रख सकते. Protecting internal organ. The skeleton protects the delicate internal organs of our body. The skull protects the brain, the rib cage protects the lungs and the heart and the backbone protects the spinal cord. तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हमारे लंग्स हुआ, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें, हमारा जो दिमाग होता है वो कहाँ होता है? सर के अंदर होता है. तो सर के ऊपर जो हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? स्कल. उस स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन होता है. रिब केज चेस्ट के अंदर होता है तो ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. बैकबोन और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे, वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. तो ये जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग हड्डियां हैं, वो क्या कर रही है? हमारे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है बॉडी के उनको प्रोटेक्ट कर रही है. हेल्प्स इन मूवमेंट. द स्केलेटल अलॉन्ग विद मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्प इन मूवमेंट. वी कैन वॉक, बेंड आवर आर्म, टर्न आवर हेड बिकॉज ऑफ द बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स. स्केलेटन की मदद से ही हमारी बॉडी को मूव कर पाते हैं. स्केलेटन मसल्स के साथ मिलकर, मसल्स और जॉइंट्स के साथ मिलकर हमें मूवमेंट में हेल्प करता है. हम चल पाते हैं, हमारे हाथ को मोड़ सकते हैं, सर को घुमा सकते हैं. ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स, मसल्स और बोन्स हैं. और ये जॉइंट्स, मसल्स और बोन्स क्या है? स्केलेटल सिस्टम का ही पार्ट है. फोर्थ फंक्शन जो है इसका वो है प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स. ब्लड, सम बोन्स आर सॉफ्ट एंड स्पंजी इनसाइड. कुछ जो हमारी हड्डियाँ होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, नरम होती है और अंदर से स्पंजी होती है, स्पंज जैसी होती है. द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द बोन कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. ये जो हमारी सॉफ्ट बोन होती है उसके अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है बोन मैरो. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस बोन मैरो. ये बोन मैरो क्या करता है? हमारे ब्लड के अंदर जो सेल्स मिलते हैं उनको बनाने का काम करता है. बोन्स ऑल्सो स्टोर इम्पॉर्टेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. हमारे जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है बॉडी के लिए जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, वो कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? वो भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स में ही जमा होते हैं. तो हमारी जो बोन्स है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इट इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस टू अस. ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा और ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है. ब्लड सेल को कौन प्रोड्यूस करता है? बोन मैरो. ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्केलेटन. स्केलेटन कितने तरह का होता है? तो बेसिकली स्केलेटन जो है वो दो टाइप का होता है, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. जैसे कि इनके नाम से पता रखा है, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. द स्केलेटन प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. स्केल्स इन फिशेज, शेल्स इन स्नेल आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन क्या होता है? ये हमारी बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, ना कि अंदर की तरफ. ये नॉन लिविंग चीज़ों से बनता है, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से बनता है. जैसे कि फिश के बॉडी के ऊपर जो स्केल होते हैं, या स्नेल जो होता है उसके ऊपर जो शेल होता है, ये क्या है? एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन का. एक्सो मतलब बाहर की तरफ, इनकी बॉडी सरफेस के बाहर की तरफ इनका स्केलेटन मिलता है. फिर नेक्स्ट होता है एंडोस्केलेटन. द हार्ड स्केलेटन फ्रेमवर्क प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. जब बॉडी के अंदर हमारा स्केलेटन प्रेजेंट है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर होता है, अंदर की तरफ ही होता है पूरा स्केलेटल सिस्टम, तो हमारे अंदर कौन सा सिस्टम है? एंडोस्केलेटन है. ये किससे बना हुआ होता है? कार्टिलेजेस और बोन से. फिश एंड फ्रॉग हैव स्केलेटन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस. फिश और फ्रॉग जो होते हैं, इसके अंदर जो स्केलेटन है वो भी बोन्स और कार्टिलेजेस का ही बना हुआ होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ होता है. स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स.
हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, हमारा स्केलेटल सिस्टम कौन से अलग अलग तरह के बोन्स से मिलके बना हुआ होता है वो अब हम पढ़ेंगे। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। हमारी जो स्केलेटन है वो 206 बोन्स से बना हुआ होता है और उनकी जो शेप और साइज है वो अलग अलग होती है। द बोन्स इन आवर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 मेन ग्रुप्स। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स पाई जाती है, जितनी भी हड्डियाँ पाई जा रही है, उनको हम 5 अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। वो है स्कल, बैकबोन, बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं, रिब्स, लिम्स और ग्रिडल्स। तो ये 5 मेन ग्रुप्स है जिसके अंदर हमारी बॉडी की जो 206 बोन्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट बोन हम पढ़ रहे हैं वो है स्कल। यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिया हुआ है स्कल का, इसके डिफरेंट पार्ट भी बता रखे हैं। जैसे आई सॉकेट है, इसके अंदर आंखें होती है, ये ऊपर वाला पार्ट क्रेनियम कहलाता है। आगे वाली ये जो हिस्सा दिख रहा है ये फेशियल बोन्स, मतलब हमारे जो चेहरे की जो बोन्स होती है वो वाली बोन्स हैं। तो जो स्कल है, स्कल फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द हेड एंड फेस। स्कल क्या काम करता है, हमारा हेड, सर और हमारा जो चेहरा है उसका फ्रेमवर्क बनाने का काम स्कल करता है। स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती है। इट कैन बी स्टडीड इन 2 पार्ट्स, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। ये जो हमारे 22 बोन्स है स्कल की, उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रेनियम और फेशियल बोन के अंदर। सबसे पहली है क्रेनियम। द क्रेनियम बोन्स फॉर्म द कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। इट हैज़ अ पेयर ऑफ सॉकेट्स इन विच आइज आर प्रेजेंट। क्रेनियम वाला जो हिस्सा है हमारा, क्रेनियम बोन्स जो होती है, ये हमारे ब्रेन को कवर करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्रेनियम वाले पार्ट के अंदर ही ये जो आई सॉकेट्स हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर आँखें होती है हमारी। नेक्स्ट जो है वो है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स नंबर में कितनी है, 14 बोन्स। फेशियल बोन्स 14 होती है, तो बाकी की जो बोन्स बची वो कौन सी है, क्रेनियम बोन्स है। दे आर 14 फेशियल बोन्स विच फॉर्म द अपर एंड लोअर जॉज। ये जो जॉज मीन्स हमारा जो जबड़ा होता है, तो ऊपर और नीचे का अपर और लोअर जॉ बनने के लिए 14 बोन्स होती है। एक्सेप्ट द लोअर जॉ, ऑल द बोन्स आर फिक्स्ड। हमारा जो लोअर जॉ है, मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जबड़े का, उसको छोड़ के बाकी सारी जो बोन्स है वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं होती है। वी कैन टॉक, ईट एंड सिंग ओनली बिकॉज द लोअर जो विच इज़ मूवेबल। जैसे हम बोलते हैं तब भी क्या होता है, हमारा जो नीचे वाला जबड़े का जो नीचे वाला हिस्सा है लोअर जो, वो ही मूव करता है। ये मूव करता है इसी कारण से हम बात कर सकते हैं, खा सकते हैं, गाना गा सकते हैं। अगर मान लो ये ऐसे मूवेबल नहीं होता तो हम इनमें से कोई काम नहीं कर सकते थे। तो हमारे फेशियल बोन्स जो है, स्कल जो है, उसके अंदर ये जो लोअर जॉ वाली बोन है सिर्फ वो ही मूवेबल है, बाकी सारी जो बोन्स है वो फिक्स्ड होती है, उनको हम मूव नहीं कर सकते हैं।